मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स विद मनीष। और आज हम बात करने जा रहे हैं सोनेट के बारे में। ये सोनेट का पेट्रोल वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट है, जो पेट्रोल मैनुअल में आता है। इस मॉडल का नाम है सोनेट एसटीके प्लस। सोनेट कार के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो सोनेट हमें दो इंजन ऑफर करता है पेट्रोल के अंदर और एक डीजल के अंदर करता है। जो दो इंजन पेट्रोल के अंदर आते हैं वो है गाड़ी में 12 cc एक सिंपल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, प्लस 1000 cc टर्बो आता है, और डीजल में हमें 15 cc IMT ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाता है। जो इनका 12 cc इंजन है, जो सिंपल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और जो गाड़ी का जो टर्बो वाला इंजन है, जो 1000 cc भी टर्बो है, उसमें आपको IMT ट्रांसमिशन मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको देखिए 4 सिलेंडर इंजन है, ये 12 cc के साथ आता है। उसके बाद जो है, जो गाड़ी की जो इंजन है, ये जो पावर जनरेट करता है वो 83 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पे। उसके बाद अगर टॉर्क की बात करें तो 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4200 पे। उसके बाद आप देख सकते हैं गाड़ी का जो स्पेस है, जो इंजन का स्पेस है, ऐसा नहीं है कि भी बहुत कंजस्टेड किए हुआ है अंदर लेगरूम, क्योंकि अंदर हमने देखा था लेगरूम भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो गाड़ी की ओवरऑल लुक है वो भी एकदम से बिल्कुल अग्रेसिव लुक है, पूरी बोल्ड लुक है जो गाड़ी की। आप सामने से देख ही रहे हैं कि गाड़ी की जो लुक है कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी। और चलिए आइए इसके बारे में रिव्यू करते हैं, इसका क्या प्राइस रहता है, ये सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर आपको हैलोजन लाइट्स मिल जाती है, साथ ही साथ आपको प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स मिल जाती है। जो अगर हम फ्रंट बम्पर की बात करें, जो फ्रंट बम्पर है पूरा बोल्ड लुक आता है, पूरा मस्कुलर बम्पर है गाड़ी का। रियर में आप देखिए सिल्वर एसेंट्स के साथ, इसमें नीचे जो है स्किड प्लेट आई हुई है, जो एक पूरा लुक अट्रैक्ट कर रही है। साथ के साथ इसके अंदर जो किया का एक सिग्नेचर ग्रिल है, जो एक टाइगर नोज ग्रिल है, आप देख सकते हैं जो किया का सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल है, वो भी इसमें एक उभर कर आ रहा है, जिससे गाड़ी की लुक और एनहांस हो रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है, इसके बारे में और आपको बताते हैं। साथ के साथ जो ये वाला वेरिएंट है, क्यों हाईएस्ट सेलिंग बोला जाता है, क्यों सबसे ज्यादा किफायती माना जाता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो गाड़ी के अंदर आपको 16 इंच के आपको स्टाइलिश व्हील कवर मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो व्हील कवर है, आपको ये नहीं लगेगा कि गाड़ी का अलॉय है या व्हील कवर है, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील कवर है डिजाइन इस हिसाब से किया हुआ है कि भी आपको दूर से एक अलॉय की लुक आती है। साथ के साथ आप देख सकते हैं गाड़ी का यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे एक जो करेक्टर लाइन्स दी हुई है, मतलब एक बोनट ही आपको ये लग रहा है कि पूरा मस्कुलर डिजाइन दिया हुआ गाड़ी का। आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं गाड़ी की। उसके बाद अगर मैं बात करूं गाड़ी की के बारे में, अंदर की आती है वो सिंपल वाली आती है, सिंपल मतलब फ्लिप वाली है। आप देखिए, आप यहाँ से अगर प्रेस करते हो गाड़ी की निकल आती है, लॉक यहाँ पे मिल जाता है आपको, अनलॉक है, और आप इसे होल्ड करोगे तो बूट ओपन हो जाता है। अगर गाड़ी का हम हॉर्न की बात करें, जो आप की लॉक अनलॉक करते हो, आप देखिए गाड़ी का मतलब अनलॉक करने पे आपको डबल वो मिलेंगे। और साथ के साथ देखिए, मैं लॉक कर रहा हूँ तो गाड़ी का जो मिरर है वो ऑटो फोल्ड हो रहे हैं, अगर मैं अनलॉक कर रहा हूँ तो ऑटो अनफोल्ड हो रहे हैं। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा, इस वाले सेगमेंट में बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाता है। और तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ साइड की लुक के बारे में, जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm का आता है, जो गाड़ी का हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रियर लुक के बारे में, आप रियर लुक देख सकते हैं गाड़ी की, जो पीछे का लुक है गाड़ी का, पीछे का लुक भी पूरा अट्रैक्टिव दिया हुआ है। और गाड़ी का जो लाइट्स हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे अगर आप जैसे लाइट ऑन करते हो वो मिल जाती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिला हुआ है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, जो लुक को एनहांस कर रहा है। साथ के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर आपको गाड़ी में रियर डिफोगर मिल जाते हैं, जो फोगी सीजन में काम आते हैं। उसके बाद जो कैमरे का पोजीशन देखिए, कैमरे का पोजीशन बहुत अच्छा है, आपको मतलब पता ही नहीं लगेगा कि गाड़ी का कैमरा कहाँ पर फिट हुआ है। उसके बाद गाड़ी में आप इलेक्ट्रिकली बूट ओपन कर सकते हो गाड़ी का। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, गाड़ी का इलेक्ट्रिकली टेल गेट ओपन हो जाता है। देखिए 392 लीटर का बूट स्पेस आता है। साथ के साथ इस वाले मॉडल में आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर हो जाती है, इससे जो नीचे दो मॉडल हैं उनमें पार्सल ट्रे नहीं आती है। और तो और आपको ये देखिए, तीनों जो रियर हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। उसके बाद अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें, तो आपको 1 इंच छोटा स्पेयर व्हील मिल जाता है यहाँ पे, एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम गाड़ी की ओवरऑल लुक की बात करें, आप देखिए गाड़ी की ओवरऑल लुक, पीछे की भी लुक बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे
गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। चलिए हम अगर अंदर की बात करें तो देखिए सारे पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ के साथ आपको यहाँ पे देखिए फोल्डेबल मिरर भी मिल रहा है गाड़ी के अंदर, वन टच इलेक्ट्रिक फोल्ड है, आप लॉक अनलॉक करोगे तो भी आपको फोल्ड मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं गाड़ी के बात करूँ मैं कंट्रोल्स के बारे में, आप देखिए ओवरऑल लुक गाड़ी की बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब ये वाला मॉडल ना बेस्ट है, हाईएस्ट सेलिंग मॉडल इसीलिए नहीं बोला जाता। यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाते हैं, स्पीकर आते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिला हुआ है जो काफी एक सॉफ्ट टच देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल रहा है, साथ के साथ अम्ब्रेला होल्डर भी है। आप देखिए कितना यूटिलिटी, मतलब किया कितना सोचती है कि भी अपने कस्टमर्स के बारे में, कि भी अभी इतना उनको कि भी पता लगता है कि भी इतना यूटिलिटी वाली एक अम्ब्रेला होल्डर भी इस जैसी कार में भी उन्होंने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ड्राइवर सीट यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ये रिक्लाइन डिक्लाइन आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल इंटीरियर मिलता है, सेम देखिए अब मेरा ड्राइवर साइड वाला जो विंडो ओपन है तो आपको यहाँ पे भी देखिए आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ड्राइवर सीट साइड जो विंडो है वो ओपन है। उसके बाद अगर अब हम इसको बंद करते हैं एक बार, आप देखिए अब यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी आ गई है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसको, जैसे गाड़ी चलेगी ड्राइव टू डिस्प्ले यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये आप यूजर सेटिंग है, लाइट्स डोर कन्वीनियंस एज पर आप उसके अंदर आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर टच म्यू सिस्टम की, तो गाड़ी के अंदर 8 इंच टच म्यू सिस्टम आता है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है। उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर फंक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे ये सारा फंक्शन मिल जाता है, वैसे ये वाइट टेपिंग है, यहाँ पे सारा ब्लैक ही मिलेगा आपको, तो काफ़ी एक जो लुक की बात करूँ आप देखिए गाड़ी का लुक है जो वो ओवरऑल बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब एक पूरा यहाँ से आपको डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छा है गाड़ी के अंदर। उसके बाद IRVM की मैं बात करूँ, मैनुअली आपको IRVM मिल जाता है, यहाँ पे सनग्लासेस होल्डर आपको ऑफर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैबिन लाइट्स मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर, ये पेट्रोल वेरियंट है तो आपको गाड़ी के अंदर 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, और अगर ये डीजल होता तो यहाँ पे आपको क्लच नहीं मिलता, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ अब IMT ही आ रही है जितनी भी आ रही है किया की। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन भी आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाड़ी के कंट्रोल्स के ऊपर, आप देखिए स्टेयरिंग पे ऑडोमेट्रिक कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप कॉल अटेंड डिस्कनेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो, साथ के साथ आप यूजर गाइड आप यहाँ से कर सकते हो। गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वहाँ पे भी आपको एक सिल्वर एसेंट्स मिल जाता है, ड्यूल हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे जो गाड़ी के AC वेंट्स हैं यहाँ पे भी एक सिल्वर एसेंट्स आपको देखने को मिल रही होगी जो एक लुक को अट्रैक्ट कर रही है। साथ के साथ इस वाले वेरियंट के अंदर आपको जो AC है वो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, मतलब ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको AC मिल जाता है, इसके अंदर आप कोई भी टेम्परेचर इसके अंदर सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करूं आर्मरेस्ट के बारे में, तो गाड़ी में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है, आप देखिए एक काफी अच्छा स्पेस है इसके अंदर, आप मोबाइल्स वगैरह आप अच्छे से रख सकते हो। यहाँ पे हैंड ब्रेक मैनुअली मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे कप होल्डर्स दिए हुए हैं गाड़ी में, आप देखिए गियर की नॉब के साथ साथ जो गियर लीवर है इसके साथ साथ भी आपको यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स का काम किया हुआ है, डायमंड पैटर्न के साथ ये काम किया हुआ है, मतलब काफ़ी लुक को अट्रैक्ट कर रहा है ये वाला भी। उसके बाद 12 वोल्ट का सिंपल चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है, USB पोर्ट मिलती है और USB ही चार्जिंग सॉकेट मिलती है। साथ की अगर मैं बात करूँ मैं गाड़ी के ग्लोव बॉक्स के बारे में, ये ग्लोव बॉक्स आता है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे एक कूलिंग ग्लोव बॉक्स नहीं है, सिंपल ग्लोव बॉक्स आता है। उसके बाद आप देखिए को ड्राइवर साइड भी इन्होंने यहाँ पे भी अम्ब्रेला होल्डर दिया हुआ है, मतलब यूटिलिटी आप जितना मर्जी रखिए, मतलब इतना सामान साइड में किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा जो कि ऑफर कर रही है। चलिए आइए अगर हम पीछे की बात करें कार में, अगर हम पैसेंजर साइड की अगर बात करते हैं तो पैसेंजर साइड में आपको सिंपल एक यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिंपल डिज़ाइन मिला हुआ है, ट्विटर नहीं आते हैं इस पीछे इस तरह। उसके बाद गाड़ी के अंदर जो AC का वेंट है वो पीछे भी दिया हुआ है, ड्यूल AC वेंट्स है गाड़ी के अंदर। उसके बाद जो चार्जिंग सॉकेट है वो भी आपको पीछे मिल जाती है, यहाँ पे कोई पर्स वगैरह आपने रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। उसके बाद जो को ड्राइवर सीट है आप देखिए कंपनी फिटेड, ये यहाँ पे लेदर है, साथ में फैब्रिक का काम किया हुआ, बट कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे 2 पॉकेट्स दी है कि इजिली अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रखना है कुछ भी है तो आप रख सकते हो। उसके बाद इस वाले वेरियंट में आपको आर्मरेस्ट ऑफर नहीं होता है, जो ऑफर होता है ओनली टॉप मॉडल में, अब सोनेट में पहले इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आता था बट अब नहीं आ रहा है। साथ के साथ आपको यहाँ पे एक कैबिन लाइट्स मिल जाती है, साथ में आपको ग्रैब हैंडल मिल गया है। उसके बाद अगर गाड़ी की मैं बात करूँ विंडो के साथ में, यहाँ पे भी आपको सिल्वर एसेंस की फिनिशिंग मिल जाती है।